देव श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी सेवा संस्था की स्थापना पूज्य पादश्री श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से लुधियाना की गई थी, जिसके तत्वाधान में अनेकों धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। उसी परिवेश में जैनपुर में महामंत्र गौशाला की स्थापना की गई थी, जहां हर रोज हरिनाम संकीर्तन किया जाता है और वैष्णव जन द्वारा घरों में जाकर भी हरिनाम संकीर्तन किया जाता है। आज इस महामंत्र पीठ का पूर्वत द्वार खोला गया। वैष्णव विधि से सबसे पहले गौ को प्रवेश करवाया गया और गौ के बाद वैष्णव जनों ने हरि नाम संकीर्तन कर पूर्वत द्वार के अंदर प्रवेश किया। इस अवसर पर आचार्य भगवान का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा रमण जी की महती कृपा से सद्गुरुदेव श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान का सुंदर स्थापना पूज्यपाद श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की महती कृपा से लुधियाना नगर में कुछ वर्षों पहले हुई थी, जिसके तत्वावधान में अनेकों यहाँ क्रियाकलाप धार्मिक सामाजिक होते रहे। उसी परिवेश में जैनपुर में स्थित ये महामंत्र गौशाला महामंत्र पीठ की सुंदर स्थापना गुरु महाराज कर गए। उनका तो धाम प्रवेश हुआ, पर ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु महाराज उस देह से इस देह में परिणत हो गए और यहाँ श्री गौ माता की महती कृपा से बहुत विशुद्ध हमारी भारतीय देसी वेद लक्षणा गौवंश की सेवा बड़े आनंद से हो रही है। सेवा वैसे सब लुधियानावासी सम्मिलित रूप से करते हैं, पर सबसे आनंद की बात यह है कि वैष्णव जन घर घरों में जाके हरिनाम संकीर्तन करते हैं और कीर्तन के माध्यम से अपने आप अनायास जो अर्थ की व्यवस्था होती है वो यहाँ की मुख्य सेवा का एक मुख्य उद्देश्य है। हरिनाम यज्ञशाला में नित्य प्रति आज लगभग 1.5 वर्ष लगभग होने को आया, जहाँ दैनिक रूप से प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक यज्ञ का मंगल कार्यक्रम होता है। भगवान ने भगवद गीता में यज्ञों की बड़ी श्रेष्ठ बात कही है, कर्म को यज्ञ बनाओ। तो गौ सेवा, विप्र सेवा, यज्ञ सेवा और अभी लगभग पिछले 5 महीने से हरि नाम संकीर्तन का भी यहाँ महामंत्र मंडपम में सुंदर विधान चल रहा है। धीरे धीरे ये स्थान अपना आकार ले रहा है, जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होता हुआ अपना आकार लेता है। कई बार कई चीज़ अगर अपनी व्यवस्था से होती हैं तो सुंदर होती चली जाती हैं। हम जब उसको उसकी स्वरूप में छेड़छाड़ करते हैं तो उसका स्वरूप बड़ा तो होता है पर विकृत लगता है। जैसे किसी बच्चे को बहुत जल्दी बड़ा करने का प्रयास किया जाए, उसे खींचा जाए तो वो शायद अंग भंग हो जाएगा पर बड़ा नहीं हो सकेगा। पर जब वो स्वतः अपने हिसाब से विकसित होगा तो ऐसा विकसित होगा जो सार्वभौम उसकी स्थापना बनी रहेगी। उसी प्रकार से ये महामंत्र पीठ भी बहुत आनंद से अपने साकार रूप को आप सब वैष्णवों के सहयोग से यहाँ हो रही है। दो ही चीज़ें हैं, भगवान की कृपा और आप सबका सहयोग। यहाँ धीरे से बहुत जल्दी एक सुंदर मंदिर की भी स्थापना अवश्यमेव जल्दी ही हो जाएगी। भगवान को तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं और जब उनकी कृपा होगी तो यहाँ प्रकट होंगे। पर अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ भव से भूमि है, ग से गगन है, व से वायु है, अ से यज्ञशाला की अग्नि है और न से नीर है, जल गौमूत्र अमृतमय होता है। ये भगवान का ही एक प्रकट स्वरूप है। भ ग व आ न, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर, सार्वभौम विद्यमान भगवत तत्व यहाँ अवस्थित है। आप सबका यहाँ स्वागत है। नित्य यहाँ हरिनाम और यज्ञ होता है। गौ सेवा में आप सब आते रहें और जिसने भी सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ और सदा आगे आपके सहयोग की आकांक्षा रखता हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, इस पीठ का महामंत्र पीठ का पूर्वत द्वार खुला। पूर्वत द्वार देवताओं के आवाहन का द्वार होता है, क्योंकि पहले जो द्वार था वो सड़क की व्यवस्था के हिसाब से उसी समय बना लिया गया था, इस कारण से अभी तक उसका प्रयोग हुआ था। पर शास्त्र की दृष्टि से मुख्य द्वार पूर्वत द्वार होता। इस पीठ पर गुरु महाराज ने 4 द्वार बनाने की आज्ञा दी थी, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म द्वार 4 स्थापित होंगे। आज जो उसका
पूर्व द्वार है, जो पद्मत द्वार है, कमलत द्वार है, आज उसका उद्घाटन हुआ और बहुत वैष्णव विधि से उस द्वार से सबसे पहले गौ माता ने प्रवेश किया और जिस द्वार से गैया प्रवेश करे वो द्वार गोलोक का द्वार हो जाता है। यहाँ सब वैष्णव कह रहे थे कि गैया प्रवेश कर गई, अब तो ये लुधियाना का नहीं गोलोक का द्वार हो गया। फिर उसके बाद वैष्णवों ने हरिनाम कीर्तन करते हुए प्रवेश किया, तदुपरांत यहाँ पर ब्राह्मणों ने प्रवेश किया और सभी वैष्णवों ने भगवान का नाम लेते हुए प्रवेश किया। भारतीय विधा कितनी विस्तृत है, यहाँ हर क्रिया के पीछे बहुत बड़ा दर्शन खड़ा हुआ है। आज वही कार्य यहाँ संपन्न हुआ, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ और आप सब भी गोलोक के इस द्वार से एक एक बार जरूर प्रवेश करके गौ माता का दर्शन कर लीजिएगा। जय जय श्री राधेश्याम।